आप पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 1 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूँगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसीलिए कि मैं प्रकाश हो और कि बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभा गया अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी यह निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो इस जगह पर लिखने वाले जो पौलुस प्रेरित है वो अपने जीवन के विषय में, अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में और व्यक्तिगत जीवन से कुछ यहाँ पर हमें कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक सेवक व्यक्ति होता है, जो सेवक होता है, सेवकाएँ कर रहा है और लोगों के अंदर कुछ दे रहा है, उसके जीवन को लोग देखते हैं, उसकी ओर देख के कई चीज़ें सीखते हैं। इसलिए उनको क्या होना पड़ता है कि अपने आप को बहुत ही चुस्त और बहुत ही अनुशासन में रखना पड़ता है, डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों में उनको अपने जीवन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या होता है कि उससे उनको दूसरों को कुछ भी ठोकर का कारण ना हो, दूसरों को उसके विषय में गलत विचार ना हो, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर पौलुस एक चीज़ कह रहे हैं कि मैं निर्बलता पर घमंड करूँगा, है ना। तो कई चीज़ें उनके पास थी, वो कई बातें में बहुत ही निपुण थे या फिर बहुत ही पावरफुल थे। हमारी अभी की भाषा में बोले तो अभी के ज़माने के सेवकों के विषय में कई लोग बोलते बहुत पावरफुल व्यक्ता है, बहुत पावरफुल सेवक है, बहुत सामर्थ्य के काम उसके सेवकाई में होते हैं, बहुत ही दर्शन की बातें करता है, बहुत वो प्रकाश की बातें करता है। ऐसे कई सेवक आज भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो कई दर्शनों के बारे में बोलते हैं, और वो दर्शन जो शेयर करते हैं वो दुनिया में होते भी है, भारत देश में है तो भारत देश में होते हैं, आपके देश हो तो आपका देश में होंगे, तो वो जो शेयर करते हैं उसके हिसाब से होते हैं। भविष्य की बातें भी शेयर करते हैं और कुछ होने वाला, मतलब अभी जो कुछ है, अभी क्या हालत है, उसमें किस तरीके से जीना, ये सारी बातें वो लोग शेयर करते हैं। उनको जैसे दर्शन प्रभु दिखाते, प्रकाशन दिखाते। अपौलुस के पत्रों से अगर आप ध्यान दोगे तो वो शुरू शुरू में लिखता है प्रभु की सुसमाचार, बाद में कलीसिया में जो चलता है उस मैटर के ऊपर, उस बातों के ऊपर वो कई चीज़ें सिखाता है, कई बातों को ध्यान में लाता है लोगों के। कई बार ऐसे भी कहता है मैं आत्मा में उधर हाजिर हूँ, ऐसे करके 1 कुरिन्थी की पत्री में वो कह रहा है कि जिसको, जिसने ये गलत काम किया उसको तो मैं पहले से न्याय कर चुका हूँ उसका, ऐसे करके वो दोषी ठहरा चुका हूँ, ऐसे करके वो कह रहा है। मतलब वो कई बातों में, आत्मिक बातों में, जो अलौकिक बातें हैं जो किसी ने देखी नहीं है, जो मतलब वो उसमें वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे, और उनको इंटरेस्टेड होने के साथ साथ वो विश्वास से कई चीज़ों का हासिल किए थे। कई बातें उनके जीवनों में, कई दान वरदान दिखे थे, वो खुद बोलते हैं 2 कुरिन्थी 12:12 में कि प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों के से दिखाए गए। तो ये बात जो वो समझा रहे हैं कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं मुझे बहुत सारे प्रकाशन मिल रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास है कहने के लिए आपको, और मैं कह सकता हूँ आपको मेरे पास ऐसे प्रकाशन हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे पास वो है, मगर मैं क्या किस में ध्यान देता हूँ ज़्यादा, कौन सी बातों में मैं क्या करता हूँ कि आपके सामने में ला के रखता हूँ, वो है
मेरी निर्बलता। तो आप सोचोगे ये इतना सामर्थ्य व्यक्ति जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया, प्रभु का सामर्थ्य को इस्तेमाल किया, सब तरह की वादान वरदान में उसने विश्वास रखा और उसने बहुत सारे अद्भुत काम किए, ये सारा करने के बावजूद ये व्यक्ति अपनी निर्बलता पर घमंड करने की बात क्यों कर रहा है? तो निर्बलता पर घमंड करना इसीलिए वो बोल रहा है कि इस दुनिया में रहते हुए हम इस शरीर के अंदर हैं, इस शरीर के अंदर हम जी रहे हैं और हमारा इस शरीर को परमेश्वर की महिमा नहीं मिलना चाहिए, मगर परमेश्वर की महिमा इसमें निवास करनी चाहिए। जैसे पौलुस एक जगह पर कह रहे हैं कि हम इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर के उस खजाने को रख के हम चल रहे हैं, तो इस खजाना जो है उसके हमारे अंदर से प्रकट होना है। तो ये जो खजाना है, जो अंदर रहा हुआ ट्रेजर बोलते हैं बराबर, ये खजाना जो हमारे अंदर है उस खजाने को इस दुनिया को प्रकट होना है, मगर ये खजाना रहने वाला है जो मिट्टी है, ये मिट्टी क्या नहीं होना चाहिए, उसको महिमा मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि घमंड करने लगेंगे आगे उस बातों के ऊपर रखने लगेंगे, धीरे धीरे लोग हमारी ओर खींचे आएंगे, लोग हम हमारी ओर बातों में आएंगे। अब इन दिनों में सभी जवान लोगों को हमारा निवेदन है, जवान लोगों को ये सारी चीज़ें मिल रही है, बहुत इनको बातें दिख रही है, आत्मिक मंडल खुल गया उनके सामने। ठीक है, आत्मिक मंडल खुलना कोई क्या बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत ही बड़ी पद पे आपको लेके चला गया है, ऐसा नहीं है। आत्मिक मंडल किसी के भी सामने प्रभु खोल सकता है, एक 15 साल 16 साल के बच्चे को भी, 12 साल के बच्चे के सामने भी प्रभु खोल सकता है। प्रकाशन प्रभु किसी को पसंद किया है उसको दिखा सकता है। कई बच्चे भी बोलते हैं भैया मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को इसी तरीके के दर्शन दिख रहे हैं, कोई बहन लोग भी बोलती है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए कोई सेवकाई में उसको बीच में लाते हुए अपनी ओर लोगों को खींच नहीं सकता। इसलिए पौलुस बोल रहा है कि मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलने लगा इस प्रकाशनों के विषय में, इस सब बातों के विषय में, तो क्या हो जाएगा, लोग मुझे जो है उससे ज़्यादा समझ लेंगे, मतलब मैं परमेश्वर का दास हूँ, उससे अधिक लोग मुझे परमेश्वर के काम काज को लेने वाला और उस सब चीज़ों को संभालने वाला मालिक ना समझ ले, यही वो कहना चाहते हैं। दास है तो दास के रूप में लोग हमें स्वीकार करने चाहिए, वो एक सेवक के हाथों में है, एक विश्वासी है तो विश्वासी के हाथों में भी है कि आपने जिस परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सामर्थ्य दिया, उसको आप किस तरीके से लोगों के सामने रखते हो। अगर आप उसको लोगों के सामने रखोगे कि मैंने मेरे द्वारा ये काम हो रहे हैं, बीच बीच में भले आप बोलते हो मैं प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए कह रहा हूँ, फिर भी लोगों तो वो चीज़ें वो नहीं पकड़ने वाले। लोग क्या पकड़ेंगे, आपने बहुत सारा बात कर लिया, बहुत सारी चीज़ें अपने विषय में बोल दी, तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी आपको बहुत बड़े इंसान के रूप में देखने लगेंगे। यही पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, अपनी निर्बलता में रहूँगा, अगर मैं बोलने लगा तो क्या होगा, लोग मुझे क्या करेगा, लोग मुझे सोच लेगा कि ये व्यक्ति क्या है, बहुत ही बड़ा इंसान है, इसको हमें बहुत आदर देना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो बातें हैं वो बातें वो समझा रहे हैं यहाँ पर इस अध्याय के अंदर, कि भाई तुमको क्या करना है, मेरे को भी क्या करना है, कि हमें जो हमारी जो हालत है, हम जिस दुनिया में रहते हुए जो हम हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी निर्बलताओं को देखते रहे, अपने आप सामने रोते रहे, कुछ भी कहते रहे, अपने बारे में गलत गलत बोलते रहे, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कचरा हूँ, मैं खराब हूँ, ये बात यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमें कोई कोई बातों में जो हमें परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रकाशन, आपको शायद बाइबल पढ़ने में, बाइबल समझने में ज़्यादा ज्ञान मिला होगा, आपको कई दर्शन दिख रहे होंगे, कई बार आपने कई चीज़ें चमत्कार किए होंगे, मतलब प्रभु के नाम से किए होंगे, सारी चीज़ें आपको पता है, आपने किया है, आपके बीच में हुआ है, तो उसमें हम फूल नहीं जाना है, क्योंकि हमें प्रेम में रहना है। हम वचन में लिखा है प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम क्या नहीं होता है, अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता। ठीक है, अगर बड़ा दिखाने की कोशिश किया तो परमेश्वर जो प्रेम है वो दिखेगा नहीं। तो इसीलिए बोल रहा है मैं चुप रहता हूँ, लोगों के सामने क्या रहता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, और क्या है कि मैं अपने आप को चुप रखता हूँ, ध्यान देता हूँ अपनी निर्बलताओं के ऊपर। तो वो एक घमंड के विषय में कह रहे हैं, अगर घमंड हम निर्बलताओं के ऊपर रखने के लिए वो समझा रहे हैं, वो अपने आप के जीवन से हमको भी कह रहे हैं। तो ये जो निर्बलता है वो क्या है, वो बोलते निर्बलता के ऊपर ध्यान देना है।
क्योंकि मैं निर्बलता पर ध्यान दूंगा तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर की महिमा जो है, परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसकी ओर मेरा ध्यान रहेगा, ना कि मनुष्य की ओर, ना कि मनुष्य की बातों की ओर। तो बोलता है मैं घमंड तो कर सकता हूँ, घमंड कर सकता हूँ, मैं घमंड कर भी पाऊंगा तो मुझको गलत नहीं है। छठवां वचन में कहते हैं क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है मुझे उससे बढ़कर समझे। मतलब आपने प्रभु की ओर से पाया है, प्रभु ने आपको दिया है, आपने कुछ बड़ा काम किया, कुछ अच्छे काम कर दिए, प्रभु खुश हो गया, आपको दिखाया, ऐसा नहीं है। प्रभु की मर्जी थी, आपको पसंद किया, उस जब जब व्यक्ति जब उस लोगों को सता रहा था, यही व्यक्ति, यही पौलुस प्रेरित, तब परमेश्वर ने तभी से उसको चुन लिया था कि मुझे इसको दिखाना है। अनन्या वहाँ पर वो जो उसे प्रभु का शिष्य था वो जा रहा है उसके लिए, तो उसको बोलता है मुझे उसको बहुत सारी चीज़ें उसको मेरे बारे में सहन करना पड़ेगा, मैं उसको दिखाऊंगा। ऐसे करके परमेश्वर उसको पहले से उसके विषय में बोल दिया था कि तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर, वो तेरे लिए इंतज़ार में है। और वो कई वो जब पूछने लगा कि ये तो आपके लोग को सताने वाला है, तो बोलते नहीं उस उसको मैंने विदेशियों के लिए जो मैंने पसंद किया है वो मेरा पसंद हुआ पात्र मेरा वो है बर्तन है, और इसको मैं क्या करूँगा अपनी महिमा के लिए, अपना कई लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। ऐसे करके वहाँ पर प्रभु कह रहे हैं, और उन उसको मैं कई चीज़ें उसको मेरे बारे में सहन करना पड़ेगा, वो भी मैं दिखाऊँगा, ऐसे करके परमेश्वर कह रहे हैं। तो उसकी निर्बलता जो थी वो कई हद से परमेश्वर की महिमा को काम करना कराती थी, परमेश्वर के अनुग्रह को उसमें से बहने देती थी। उसकी निर्बलता होने की वजह से कई लोग प्रभु के अंदर सामर्थ पकड़ रहे थे, और वो खुद भी अपने अंदर गवाही दे रहा है, जब मैं निर्बल हूँ तब मैं कैसा हूँ, बलवान हूँ। तो ये बातें शायद आपको समझ में नहीं आई होगी कि ये क्या बात हो रही है, घमंड करना है, निर्बलता पर घमंड करना है, निर्बलता पर कोई कैसे घमंड कर सकता है, और निर्बल में बलवान कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब एक ही है कि आप उस परमेश्वर को मान रहे हो जिसका सामर्थ्य आपके अंदर काम कर रहा है, और वो आपको खाली नहीं छोड़ा है। आपका शरीर की निर्बलता है, आपको जब कोई कुछ बोलेगा, डांटेगा, परेशान करेगा तो आपका शरीर दुखी होता है। वही पौलुस बात कर रहे हैं, मेरे शरीर के अंदर कांटा दिया गया, एक शैतान का दूत मुझे दिया गया कि मैं फूल न जाऊँ। सातवां वचन में कह रहा है प्रकाशन की दे मेरे शरीर में क्या हो जाए कि चुपाया गया, वो मुझे गुस्से मारे कि मैं फूल न जाऊँ। मतलब ये जिस कांटे की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने में इस कांटे के विषय में कई जगहों में लिखा हुआ है, पुराने नियम में इस बारे में कई जगहों में वर्णन है। न्यायियों की पुस्तक 2:3 में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि तुम उसको मेरी बातों को नहीं मानोगे तो उनके जो देवी देवता है उनकी जो बातें तुम्हारे पंजर में क्या हो जाएगी, कांटे के जैसे रहेगी। वही कांटा ये वही दृष्टांत के ऊपर से कह रहे हैं। मगर पौलुस तो ये नहीं था कि परमेश्वर की बातें नहीं मानता था, उस ज़माने में कांटा का वो उदाहरण था जो दूसरे लोगों का दबाव जो हमारे पर होता है, सताव जो होता है उसके विषय में वो कह रहे हैं। तो जो सताव होता है तो उस सताव के बारे में, निर्बलता के बारे में वो घमंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की खातिर करना है। लोग बोलते हैं तो कुछ गलत होगा उसके जीवन में, कुछ खराब होगा या फिर कोई बीमारी होगा, अगर ऐसा होता तो क्यों हिम्मत से निर्बलता के बारे में घमंड करेगा। बराबर, निर्बलता में घमंड करने में परमेश्वर को महिमा मिल रहा है। वो जैसे बोल रहा है कि मैं निर्बलता में घमंड करूंगा, हिम्मत से कह रहा है, इसका मतलब कोई निर्बलता कोई गंदगी वाली नहीं है, वरना वो छुपा लेता। बराबर, कोई दूसरी कोई बातें नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, वरना वो ऐसे घमंड करता। वो बोलता है मैं परमेश्वर में घमंड कर रहा हूँ क्योंकि ये निर्बलता होने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये बातें मेरे अंदर हो रही है, वो मुझे लोग परेशान कर रहे, सता रहे हैं। मैंने 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे दूर करो इन लोगों की बातों को, ये मुझे बार बार परेशान कर। जिनकी सता होता है उनको आप पूछिए क्या होता है इसी हालत में, कांटे जैसा लगता है, हम सहन कर चुके, हमें पता है, लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, इतना ज़्यादा तो दूसरे लोगों जैसे नहीं किया हमने सहन, मगर थोड़ा भी होता है तो भी हमें रात को नींद नहीं आती है, लोग कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, बातों में हमें गलत चीज़ों में फंसाने की ट्राई करते हैं, ऐसी किसी गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं, ऐसी बातें होती है। तो ये जो हो रही है उसमें क्या होता है, कांटा के जैसे चुभता है। तो उस कांटे को निकालने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, बोलता है मैं मेरी निर्बलताओं में घमंड इसीलिए करूंगा क्योंकि मेरी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य सिद्ध होता है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरी निर्बलता में
काम कर रहा है। जब मैं निर्बल हूँ, मैं बलवान हूँ, तब मसीह पूरे पूरा मेरे में से प्रकट हो रहा है। जब मैं खाली रहता हूँ, कुछ मेरे पर मैं निर्बल नहीं हूँ, मुझे कुछ परेशानी नहीं है, तब मैं फूल जाता हूँ, कुछ ना कुछ मैं बोलते रहता हूँ, बड़बड़ते रहता हूँ, लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं, उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा है, उसमें मेरे को महिमा मिल रहा है। मगर जब मैं निर्बल हो जाता हूँ, जब मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, उस समय में लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बच रहा हूँ, बहुत सारे पत्थर मेरे पे मारे गए तो भी मैं बच गया, मेरे को बहुत सारी तकलीफें हुई तो भी मैं बच गया, रब और प्रभु मुझे बचा रहे हैं, यहाँ टिका रख रहा है, इसमें वही उसका अनुग्रह जो है वो लोगों को दिख रहा है, मेरे जीवन के द्वारा अनुग्रह दिख रहा है और लोगों को भी आशा हो रही है। हाँ, हमारा जीवन में भी कोई भी निर्बलता है, परमेश्वर हमें इसमें से छुड़ाने में सामर्थ्य है। यही बात है, निर्बलता में क्या होता है, सामर्थ्य सिद्ध होता है। वो सामर्थ्य सिद्ध कैसे होती है? वो सामर्थ्य आपके अंदर प्रभु का ताकत रहते हुए आपको सहन शक्ति, आपको धीरज, आपको प्यार दिखाने का मन देता है। वो देखकर लोग प्रभु की ओर खींचेंगे, वो देखकर लोग सोचेंगे इतना निर्बल व्यक्ति को सही में इसका परमेश्वर ही इसको संभाल सक रहा है, ये अकेले नहीं कर पाता, ये कैसे अकेले सहन कर रहा है, सही में कोई सामर्थ्य इसके अंदर काम कर रहा है। उस जमाने के सोल्जर लोग भी देख देख कर उनको भी डर लग रहा होगा कि ये इंसान को कुछ हो नहीं रहा है, कितना मार रहे, कितना परेशान, मेंटली टॉर्चर कर रहे इसको हम, कितने साल से जेल में रख रहे हैं तो भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे करके उन लोगों को भी विश्वास बहुत सवाल होते होंगे कि क्या है इसके जीवन में, तभी तो सवाल आएगा कि हाँ कुछ है जो इस इंसान के पास कहीं से है, बराबर स्वर्ग से है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं स्वर्ग में तीन तीन दिन तीसरे माले पे उठाया गया एक व्यक्ति के बारे में मैं घमंड करूँगा। ठीक है, तो वो भी एक प्रकाशन की बात ही है, मगर बोल रहा है वो आत्मा में था, उसने ऐसी ऐसी बातें देखी, बोलता है वहाँ की बातों में मैं घमंड करना है, वहाँ की बातें मुझे पाया हूँ, वहाँ का सामर्थ्य मैं पाया हूँ, वहाँ का अनुग्रह मैं पाया हूँ, वहाँ के जीवन मेरे अंदर है, उस जीवन के ऊपर मुझे घमंड करना है। मैं कुछ कर लिया, मैंने बहुत सहन कर लिया, मैंने लोगों को बहुत प्रचार कर लिया, बहुत सारी चीज़ें सिखाया, इसके ऊपर मैं घमंड नहीं कर सकता। तो मेरा घमंड किस में है? मेरे परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर मेरा घमंड है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। मैं निर्बल होता हूँ तब वो मेरे अंदर ताकत काम कर रहा है, वो मुझे उठाता है, वो मुझे बल देता है। आज के ज़माने में हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। इन दिनों में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सुन रहे हो, आपको इस वचन के द्वारा तसल्ली मिलना चाहिए कि मेरे जीवन में भले एक निर्बलता है, लोग मुझे मान नहीं दे रहे, मेरे जीवन में कई ठोकरें हैं, कई चीज़ें मुझे गिराना चाहती है, शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे दबा रहा है। कोई भी हालत हो आपकी, किसी भी तकलीफ हो, कोई भी तकलीफ में आप पड़े हुए हो, उस समय में परमेश्वर आपको कहता है कि मेरा सामर्थ्य तुम्हारी निर्बलता में क्या होता है, सिद्ध होता है। हालेलुया, वो सामर्थ्य को हमें काम करने देना, क्योंकि वो सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है, सिद्ध होता है, क्योंकि नया जीवन पाए हुए व्यक्ति है हम, हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, उस सामर्थ्य को हम ले सकते हैं, उस सामर्थ्य को हमारे अंदर रहते हुए इस दुनिया में भले कितनी भी ठोकरें हो, हमें कितना भी परेशान कर रहा है, कितना भी गिराने की ट्राई कर रहा है, हम भी अपनी निर्बलताओं में आते थे गिरते हैं, कोई कोई बातों में हम डिले हो जाते हैं, मगर जैसे बंजन संहिता लिखने वाला दाऊद क्या लिखता है, ये मेरे वैरी तू खुश मत हो जा, सॉरी मिखा में लिखा हुआ है कि मेरे बेरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। तो ये वचन के हिसाब से उठना है, प्रभु हमें उठाना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हमारा सामर्थ्य हमारा मजबूत चट्टान वही है, वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें बल देता है, वही हमें अनुग्रह करता है, उसके अनुग्रह से हम सारी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, कई चीज़ों को ऊपर हम हासिल जीत हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो पौलुस के जीवन में हुई थी, उसको पता थी, इसलिए वो बोल रहा है मैं निर्बल होता हूँ तब मैं बलवान हूँ, इसलिए मेरी निर्बलता पर घमंड करूँगा, क्योंकि मेरी निर्बलता में घमंड करने में मुझे पर मैं कुछ अपनी ओर में किसी को नहीं खींचूँगा, ना किसी और को मैं मेरे से जा मैं जो हूँ उससे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करूँगा, मगर मेरी निर्बलता पर घमंड करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, सामने वाला को पता चल रहा है कि ये इंसान कुछ नहीं है, इसके अंदर जो सामर्थ्य है वही सब कुछ है, वही ताकत है, वही पावर है जो इसको लेके चल रहा है, बाकी ये नाटा सा व्यक्ति ये क्या कर पाएगा, इसको तो बोलना भी नहीं आता, उस जमाने के लोग ऐसे भी बोलते थे उसके बारे में कि इसके बोलना भी ठीक से नहीं है, इसके पत्र भारी होते हैं, ये तो बोलने में कुछ इतना पावरफुल नहीं है, ऐसे करके
लोग उसको बोलते थे उस ज़माने के लोग, तो वैसे हमारी भी इस ज़माने में गवाही होनी चाहिए कि हमारे कोई भी हालत है उसमें हमारा परमेश्वर हमें उठाता है, हमें सामर्थ्य देता है और हमें हमारी निर्बलताओं में उसका सामर्थ्य पूरा होता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, समय के लिए धन्यवाद करते हैं हमें दिए हुए इस मौके के लिए। परमेश्वर पिता, आगे हमें और भी मौके दीजिए, और भी सामर्थ्य दीजिए, और भी आपकी ताकत अनुग्रह हमारे में काफ़ी है परमेश्वर पिता, उसको अनुभव करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। यीशु प्रभु के नाम से मांगते पिता, आमीन।